हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि एनटीए यूजीसी नेट 2024 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब आप बात करेंगे, सर हम तो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, सर हम तो डीएलएड वाले हैं, सर हम तो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें नेट से क्या मतलब है? तो क्योंकि ये नेट आपके लिए ही है और आपको कैसे हेल्प करेगा ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। खासकर वे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको ये क्या बेनिफिट देगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके करने से हमें मिलेगा क्या, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर हम नेट पास भी कर लेते हैं, क्या इससे जॉब मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, सैलरी क्या होगी, ठीक है? क्या सर एमए वाले फॉर्म भर सकते हैं, सर एमएससी वाले भर सकते हैं या फिर बीए बीएससी वाले फॉर्म को भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कैसे भरना होगा फॉर्म, फ़ी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हम आपसे बाद में बात करेंगे। फ़ी कितनी है पहले तो हम इसके बारे में जान लें, तब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म की पूरी डिटेल कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कैसे भरना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये ठीक है। सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट होता क्या है वो जानिए, उसके बाद हम जानेंगे इसके करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, उसके बाद इस बेनिफिट मिलेगा तो क्या कंपटीशन कम होगा आगे, क्योंकि जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्या वो सोचेंगे क्या इसको मैं कर लेता हूँ तो क्या कंपटीशन आगे कम होगा कि नहीं होगा, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। अगर मैं एनटीए की बात करूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात किया जाए, एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जून में होने वाला है 2024 का, और इससे करने से आप करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक पात्रता है, जैसे आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं ठीक है, उसी तरह नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाएंगे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब कैसे, एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। देखिए अगर आप एक बात बताइए, अगर एक से पाँच में पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हम डीएलएड करेंगे या बीटीसी करेंगे ठीक है, तो फिर जूनियर की प्राइमरी की वैकेंसी आएगी तब आप पढ़ा पाएंगे प्राइमरी में टीचर के लिए। फिर आप एक कहेंगे सर छः से आठ में पढ़ाते हैं जो बच्चे जूनियर की, अब वो क्या किए होते हैं, वो क्या किए होते हैं, बीएड किए होते हैं ठीक है, अब बीएड किए होते हैं, अब इनकी जूनियर की वैकेंसी आती है एग्ज़ाम देते हैं तो इनको पढ़ा पाते हैं। इसी तरह टीजीटी वाले क्या कर पाते हैं, देखिए टीजीटी वाले किनको पढ़ाते हैं, 9 से 10 वालों को पढ़ाते हैं, इसी तरह पीजीटी वाले किनको पढ़ाएंगे, 11 से 12 वालों को। अब इससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाना हो, अब वो कौन पढ़ाए, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं ठीक है, जो आप नेट से क्वालिफाई करेंगे ठीक है। अब ये नेट क्वालिफाई करने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये आप जानना चाहेंगे। देखिए इसके लिए मैं बता दूँ, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, देखिए आपका एमए हो चाहे एमएससी हो कुछ भी हो चलेगा, अब डिपेंड करता है अगर ठीक है, एनटीए यूजीसी, फिर एक होता है सीएसआईआर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अब बीए और बीएससी वाले जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप बीए कर रहे हैं बीएससी कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या नेट जीआरएफ बनना चाहते हैं तो आपको एमएससी या एमए में एडमिशन ले लेना चाहिए, और लेते ही आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अब इस एनटीए के फॉर्म को भर सकते हैं, यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं ठीक है, क्योंकि इसको जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे नेट को तो दो साल के भीतर आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी ठीक। तो बेटर यही होगा कि जो लोग नेट का फॉर्म भर रहे हैं उनके डिग्री या तो फाइनल ईयर में होंगे या तो फिर सेकेंड ईयर में होंगे, या फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में होगा यानी फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, या तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे यानी थर्ड सेमेस्टर में, तो वे फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छे से बात करेंगे और डिटेल से, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए यूजीसी नेट में कुल टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 83 सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट्स का आपका अगर है ठीक है, एमए है या फिर एमएससी है ठीक है, यानी पीजी होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी मैंने बेसिक चीज़ें बताया, अगर आपको न समझ में आ रहा हो कोई भी पॉइंट्स अगर कुछ भी, तो कमेंट्स करके पूछिए आप हमसे, जब सब पूछेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया ठीक है। और ये साल में दो बार होता है, एक बार तो एनटीए कराता है, फिर दूसरा सीएसआईआर जिसके थ्रू केमिस्ट्री का होता है ठीक है। अगर माने आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दिसंबर वाले में, अब इसके बारे में अलग वीडियो से मैं बनाऊंगा, फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं ठीक है। अब ये इनके बारे में, एनटीए के बारे में बता दूं, देखिए अब इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, बाकी तो चीज़ें बता दिया, ध्यान से देखिए। अब इसका फॉर्म 20 तारीख से भरना स्टार्ट हो गया, 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आप जो फ़ी पेमेंट आप कर पाएंगे 11 मई से लेके 12 मई तक, यानी फ़ी भी अब फॉर्म भरिए तुरंत पेमेंट कर दीजिए ठीक है, लास्ट डेट 12 मई तक है पेमेंट करने की। और फ़ी अगर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या किसी से पेमेंट कर रहे हैं, अगर जनरल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व तो 1150 रुपये, अगर ओबीसी हैं जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी में कौन नॉन क्रीमी लेयर है तो 600 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी।
अगर शेड्यूल कास्ट एसटी इन सब की बात किया जाए तो ₹325 है, ठीक है, थर्ड जेंडर के लिए भी ₹325 है। अब हम आगे बात कर लेते हैं आपका, देखिए ये सारी चीज़ें करेक्शन पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन अगर कोई फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो 13 से 15 मई के बीच करेक्शन कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, इनके साइट पर ही पता चलेगी। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है इनके साइट पर पता चलेगी। एग्ज़ाम की डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 16 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। 16 जून का कौन सा दिन पड़ रहा है आप खुद देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब 3 घंटे का पेपर होगा, इन 3 घंटे में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। इन 3 घंटे में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। अब पेपर 1 जो होगा 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 200 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के आपके जनरल्स होंगे और जो 200 मार्क्स के होंगे 100 क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। यानी अगर पेपर 1 की बात करें कितने मार्क्स का होगा, पेपर 2 कितने मार्क्स का, वो आगे हम बता देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए जो चीज़ें को बता रहा हूँ, अब कुछ चीज़ें हैं। अब इस फॉर्म को भरिएगा, अब इसको भरने के बाद एग्ज़ाम जैसे क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब क्या कंडीशन है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है क्वालिफाइड फॉर, आप क्वालिफाई करते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर कैटेगरी 1 में देखा जाए तो आप JRF के लिए भी हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए। कैटेगरी 2 में केवल 2 ही चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, जैसे आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए ही हो पाएंगे। कैटेगरी 3 में अगर आते हैं तो केवल आप PhD ही कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, एक चीज़ बताइए, इसका जो मूड होगा एग्ज़ाम का पेन और पेपर यानी OMR बेस्ड होगा। पहले ऑनलाइन होता था लेकिन अब OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। देखिए मैंने बताया था ना कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें पेपर 1 होंगे, जिसमें से आपके टीचिंग मतलब कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा, टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड हुआ, ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती है वो चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स मतलब आपकी कोर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन जो 200 मार्क्स का होगा। 3 घंटे में ये सारे क्वेश्चन 180 मिनट में करने होंगे, सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा ब्रेक नहीं मिलेगा, आप सोचो कि आपको एक क्वेश्चन मतलब आपने 50 क्वेश्चन पेपर 1 किया तो आपको ब्रेक मिल जाए फिर थोड़ी देर बाद, ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू आपको करना होगा। और सब्जेक्ट्स और सिलेबस के बारे में बात किया जाए, सिलेबस आप देख सकते हैं बेधड़क NTA के साइट पर जाकर सिलेबस आप देख सकते हैं। अगर नहीं देख पाए तो आप कमेंट्स करिएगा या फिर आप टेलीग्राम पर मेरे चले जाइएगा, टेलीग्राम पर ये PDF अपलोड होगी वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिल सकेगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक CTET की तरह ही है। अगर मैं CTET से कंपेयर करूँ तो CTET की तरह ही है। क्या CTET की तरह है कि देखिए इसमें मैं बताऊँ, उसमें तो 1 मार्क्स का था हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 मार्क्स का है, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या सिमिलरिटी है। जैसे आप इसमें भी क्या है कि हर एक क्वेश्चन करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट से, और इनकरेक्ट करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी जैसे CTET में नहीं कटता है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देते तो कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया या ह्यूमन ईरर हो या टेक्निकल ईरर के वजह से क्वेश्चन गलत है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसके 2+ मार्क्स मिलेंगे। इससे क्या पता चलता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है चाहे आए या ना आए, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, अब देखिए अब एक क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैं बता दूँ, NTA UGC नेट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए यानी PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो आप कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर में हैं तभी भर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कंडीशन, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप पता कर लीजिएगा। और अगर ठीक है, और BA वाले और BSc वाले, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अगर एडमिशन लेते हैं MSc या फिर MA में PG में, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, और उसके भरने के बाद अगर आप क्वालिफाई नेट कर लेते हैं तो 2 साल के भीतर आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करना होगा, ऐसा कंडीशन था। अगर हो सकता है इसमें कुछ चेंज आया हो तो देख लीजिएगा एक बार, कन्फर्म कर लीजिएगा, और कुछ चेंज है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी जो मैं बता रहा हूँ 100% श्योर है कि आप अगर फाइनल ईयर में हैं MA MSc, ठीक है, PG के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म डाल दीजिएगा, और उस फॉर्म डाल दीजिएगा आप सिक्योर है, आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो अच्छी बात है। बस शर्तें ये रखिएगा, आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज बनेगा 55% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 55% से नीचे आता है तो आप नेट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, बाकी SC ST इन सभी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक चीज़ जिसके बारे में हमने बता दी NTA के लिए। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा,
जो आपको जानना चाहिए। बाकी ये देख रहे हैं 55 पेज की फाइल है जिसको बताना मुझे नहीं लगता है कि आप पढ़ लेंगे, फॉर्म कैसे भरना है क्या करना है। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर यूजीसी नेट आपका होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, ये तो मैंने बताया ही था। एक चीज़ और बताता हूँ कि इन सभी के लिए आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन जो पढ़ाने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अच्छे बच्चों को पढ़ाना होगा। जैसे अच्छे बच्चों का मतलब ये है कि हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया ना TGT PGT के ऊपर के बच्चे जो होते हैं उनको आप पढ़ा सकते हैं। तो नेट क्वालिफाई करना अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। रह गई बात, आप पूछेंगे कि सर क्या कंपटीशन कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएड किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन करके ही बीएड के, ठीक है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि पीजी कर लूँ कि नहीं करूँ। देखिए अगर आपके पास मौका मिल रहा है तो पीजी कर लीजिए, पीजी करके रखिए, और पीजी करते करते आप नेट क्वालिफाई भी हो जाइए। क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ, बहुत दिल की बात बता रहा हूँ, देखिए इस चीज़ को मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक एक अनुमान लगाया जा सकता है, आप भी अनुमान लगाते हैं हम भी लगाते हैं, तो मेरे अनुमान के अनुसार ये है कि अब गवर्नमेंट्स वैकेंसी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी यूपी में, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, क्योंकि अब जो वैकेंसी धड़ल्ले से आएगी, ठीक है, तो अभी जो TGT की हो, PGT की हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, ये सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी 2025 में, ठीक है। 2024 के दिसंबर तक कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिलता स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद 25 में धड़ल्ले से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 2026 में आपका इलेक्शन होने वाला है, तो आपको पता है 2027 में, तो 26-27 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ न कुछ चीज़ें आएगी सामने निकल के। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, तब तक आपकी पीजी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और अब इसका बेनिफिट पा पाएंगे। रह गई बात, आप पूछेंगे कंपटीशन, तो ऑब्वियस ये बात है कि हायर क्वालिफिकेशन में कंपटीशन कम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग पीजी किए हैं, कितने लोग नेट क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि नेट में कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, जिस तरह सीटेट में कितने लोग भरे थे, कितने लोग पास आउट हुए थे, कितने लोग, ठीक है, इसी तरह नेट में भी है। ये नेट साल में 2 बार होता है। अब इसमें टोटल 83 सब्जेक्ट्स हैं, इन 83 सब्जेक्ट्स में से आपका कुछ भी सब्जेक्ट्स हो, XYZ, उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स को कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट्स हो आप देख सकते हैं, भर सकते हैं, 83 सब्जेक्ट्स है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट्स आपके सामने 83। अब इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे जियोग्राफी हो, ठीक है, या हिंदी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स कुछ भी हो आप उसमें से अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा। पूरी डिटेल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपके सामने लिस्ट मिला है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर चीज़ें न समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, हाँ अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिए, हम रिप्लाई करने के लिए रेडी हैं। अब मैंने बता दिया कि देखिए इसको करने के बाद जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने बीएड किया उसी तरह नेट भी कर लीजिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन जितनी आपके पास होगी उतना ही बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके पूछिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर आपके दोस्त हों, रिलेटिव हों, रिश्तेदार हों, शेयर करिए, और क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं आप फेसबुक पर चले जाइएगा, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि मैं जल्द ही अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में पूरा क्वालिफिकेशन अपनी, अपना नाम, क्वालिफिकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेंशन कर दूंगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।